संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर जहां भारत में इतना बवाल मचा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस फिल्म का खासा इंतजार हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही कि इस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है, जबकि पाकिस्तान में इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है। इस फिल्म के किरदार, कहानी, कलाकार, कपड़े, गाने, डांस, हर चीज को लेकर भारत में कोहराम मचा है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर शांति छाई हुई है। हालांकि पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान में पहले अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को लेकर कुछ संदेह था, लेकिन बाद में पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को किरदार समझ में आया, जिससे वहां फिल्म रिलीज हो रही है। पद्मावत से पाकिस्तान में अच्छी ओपनिंग की उम्मीद है, जबकि भारत में फिल्म का विरोध कर रही कर्णी सेना पूरी तरह से हिंसक हो गई है। उसने देशव्यापी बंद भी बुलाया है। कर्णी सेना के उत्पाद को देख गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा में सिनेमा घर मालिकों ने फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया है। हालांकि देश के जिन हिस्सों में फिल्म रिलीज हो रही है, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गाजियाबाद और फरीदाबाद, हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद है। राजधानी दिल्ली में थिएटर्स के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं गुरुग्राम में पहले ही धारा 144 लगा दी गई है। टीम इंडिलिंग्स।